हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज प्लस इस वीडियो में हम डिफरेंट न्यूज़ पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं एग्जाम पर्पज से ठीक है तो आइए शुरू करते हैं आज का है वीडियो इसमें द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट न्यूज़ पेपर से न्यूज़ को लिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि बूस्टर डोज इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का जो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके आधार पर यहाँ बताया गया है जो ट्वेंटी लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया गया उसमें उसके बारे में बताया गया कि एक लाख करोड़ दिया गया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को और दस हज़ार करोड़ दिया गया है टू फॉर्मलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ दिया गया पी एम मत्स्य मतलब संपदा योजना में ठीक है प्रधानमंत्री मत्स्य मतलब संपदा योजना में इसको दिया गया इतना पैसा तेरह हज़ार करोड़ दिया गया है हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन ऑफ कैटर बफेलोशिप यानी कि एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्टर में इतना दिया गया है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पंद्रह हज़ार करोड़ दिया गया है चार हज़ार करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ़ हर्बल कल्टिवेशन टेन लाख हेक्टेयर टू भी कवर थी इसमें दस लाख हेक्टेयर जमीन कवर किया जाएगा उसके लिए चार हज़ार करोड़ दिया गया हर्बल कल्टिवेशन के लिए पाँच सौ करोड़ दिया गया बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए मधुमक्खी पालन के लिए और सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पे कि इंसेंसियन कॉमोडिटीज एक्ट है नाइन्टीन फिफ्टी फाइव का उसको अमेंड किया जाएगा अमेंड करने से एक फ़ायदा क्या होगा डी रेगुलेशन किया जाएगा सेरल्स एडिवल ऑयल सीड पल्सेज ओनियन और पोटेटो का ठीक है और मार्केटिंग रिफॉर्म किया जाएगा ठीक है मार्केट में कई तरह का रिफॉर्म लाया जाएगा जिसके बारे में भी नहीं बताया गया तो हम लोग यहाँ पी एम मत्स्य संपदा योजना के बारे में पढ़ लेते हैं तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था पाँच जुलाई 2019 को जब मोदी जी का दूसरा गवर्नमेंट बन बना था है ना सेकंड टाइम जब गवर्नमेंट बना था तो उसमें जो बजट आया था पाँच जुलाई 2019 को उसी बजट तस्वीर में इस योजना का अनाउंस किया गया था पी एम मत्स्य संपदा योजना और इसका मेन टारगेट क्या था तो इंक्रीज़ द फिश एंड एक्टिक प्रोडक्ट्स ठीक है तो इंडिया में, में मेराइन सेक्टर को बूस्ट करना और फीस और एक्वेटिक प्रोडक्ट को इनक्रीज़ करना इसका मेन टारगेट था पीएम एम मत्स्य संपदा योजना का नेक्स्ट आप बताया कि मॉनसून विल अराइव ऑन जून फाइव सेज आईएमडी आईएमडी का ऐसा कहना है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि मानसून जो है पाँच जून तक अराइव हो जाएगा मतलब ये आ जाएगा इंडिया में तो हम लोग आई के बारे में देखते हैं और स्काईमेट यहाँ पर है तो स्काईमेट एक प्राइवेट फोरकास्टर है स्काईमेट भी यही काम करता है आई के जैसा ही काम करता है लेकिन आई गवर्नमेंट का है और स्काईमेट प्राइवेट है आई गवर्नमेंट का है दोनों में यही अंतर है तो आई के बारे में देखते हैं अठारह में इसको बनाया गया था और अभी मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंसेज के आता है अंदर आता है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ठीक है तो आईएमडी को कब बनाया गया था अठारह में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ही आता है तो ये था आईएमडी के बारे में नेक्स्ट गवर्नमेंट इज रेडी टू रिज्यूम पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट रिज्यूम करने के लिए सोच रही है और मेट्रो प्रिपेयर टू रिया स्टार्ट ऑपरेशन ठीक है तो एक बहुत मतलब अच्छा न्यूज़ आ रहा है सॉरी मतलब ये राजस्थान का न्यूज़ नहीं है दिल्ली का जो कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम कैलाश गहलोत है गहलोत के का कारण कन्फ्यूजन कर हो गया उनका कहना है ठीक है और मेट्रो को स्टार्ट करने के लिए सोचा जा रहा है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है आई होप सारे स्टेट में इस तरह से लागू हो नेक्स्ट है कि प्रोस्थित नो बार फॉर दिस स्टेज स्ट्रक कर्नाटका टीनेजर तो एक यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्टोरी बोल सकते हैं कि दिया गया है कि जिसमें एक टीनेजर है जो उनको एक बीमारी है है ना और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैप्ड हैं फिर भी यक्षगान के प्रति उनका जो लगाव है ठीक है उसके बारे में बताया गया तो यक्षगान क्या है हम उसके बारे में हमें हाँ पढ़ लेते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से वही इंपॉर्टेंट है तो यक्षगान एक, एक तरह का ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है क्या है ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है जो कर्नाटका और केरला वाले रीजन में होता है मेनली कर्नाटका में होता है जो कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है ना कर्नाटका का कोस्टल एरिया और केरला के एक या दो डिस्ट्रिक्ट में होता है यानी कि ऑलमोस्ट कर्नाटका में होता है और केरला के एक या दो डिस्ट्रिक्ट में होता है कोस्टल वाले इलाके में होता है ठीक है ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर है इसमें डांस म्यूजिक डायलॉग सब कुछ होता है ये डस्ट डस्क टू डॉन है ना डॉन एंड डस्क पड़े होंगे डस्क से लेकर डॉन तक यानी कि रात भर ये काम चलता है मतलब कि जो एक गान है ये जो थिएटर है रात भर चलता है डस्क से लेकर डॉन तक और इसमें स्टोरी जो लिया जाता है यक्षगान में है ना ये रामायण से लिया जाता है महाभारत से लिया जाता है गीता से लिया जाता है या फिर दूसरे ईपिक्स से लिया जाता है जो हिंदू और जैन है ना तो इसके बारे में याद रखें हिंदू और जैन दोनों कम्युनिटी की इपिक से लिया जाता है हिंदू और जैन दोनों कम्युनिटी की इपिक से लिया जाता है स्टोरीज को ये डस्क से लेकर डॉन तक या फिर बोल सकते हैं शाम से सुबह तक इसमें काम चलता है मतलब कि यक्षगान के बारे में और इसमें डांस म्यूजिक डायलॉग तीनों चीज़ होता है कर्नाटका और केरला रीजन में मेनली फॉलो किया जाता है मेरे लिए इसका मतलब की एक्सेकेंड को बताया जाता है नेक्स्ट है रुपीज वन लाख करोड़ रुपीज वन लाख करोड़ फार्म इंफ्रा फंड टू तो बी लॉन्च ठीक है फार्म इंफ्रा मतलब फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो फाइनेंस के नाबार्ड के द्वारा तो नाबार्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो नाबार्ड जो है उसका पहले क्या नाम था तो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन नाबार्ड का एक मतलब उसके पहले दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था जो नवाड के जैसा ही काम करता था जिसको बंद करके नवाड़ चालू किया गया था तो उसका नाम था एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नवाड को बनाया गया था बारह जुलाई नाइनटीन को नवाड को बनाया गया था बारह जुलाई नाइनटीन को जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और नवाड़ का स्थापना करने के लिए कमेटी गठित किया था जिसका नाम था बी शिवारमन कमेटी तो बी सीवारमन कमेटी के आधार पर नवाड का स्थापना किया गया था कब तो 12 जुलाई उन्नीस को यह था नवाड़ के बारे में नेक्स्ट यूनियस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट चेंजेस टू लेबर लॉ तो अभी यू में एम में और कहीं कहीं जो है लेबर लॉज में चेंज किया गया है वर्क ड्यूरेशन को बढ़ाया गया है और भी डिफरेंट चेंजिंग किया गया है तो उसके अगेंस्ट में जो यूनियन है लेबर यूनियन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आईएलओ तक जाएंगे ठीक है तो आईएलओ क्या है तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो आईएलओ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो आपको पता होगा यूएन जो है यूनाइटेड नेशन उसके पहले एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था यूएन जो है यू के पहले एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही तो आई उसी समय से बना हुआ है ठीक है तो आई का स्थापना हम लोग बोल सकते हैं 1919 में हुआ था आई का स्थापना 1919 में हुआ था लीग ऑफ नेशन के समय ही और यू के में जितने भी बॉडी हैं यू में जो स्पेशलाइज बॉडी हैं उनमें सबसे पुराना है ठीक है यू में जितने भी स्पेशलाइज बॉडी है उसमें सबसे पहला या सबसे पुराना बोल सकते हैं स्पेशलाइज बॉडी है इसके 187 एटी सेवन मेबर है इसके कितने मेंबर है 187 एटी सेवन मेबर इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1969 में इसको नोबेल प्राइज मिला था याद रखिएगा 1969 में इसको नोबेल प्राइज मिला था इसका हेडक्वाटर जनेवा स्विट्जरलैंड में वन एटी सेवन मेबर है नाइनटीन नाइनटीन में इसका स्थापना हुआ था यू एन एक, एक स्पेशलाइज बॉडी है ठीक है लीग ऑफ नेशन के ज़माने से ही है नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी बेल पर सिद्धार्थ वर्धराजन तो सिद्धार्थ वर्धराजन नाम के एक जर्नलिस्ट हैं उनको एंटीसिपेटरी बेल दिया गया है तो एंटीसिपेटरी सेपेटरी बिल बेल होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो जैसे एंटीसिपेटरी बिल बेल उस आदमी को दिया जाता है यदि कोई आदमी कोर्ट में जाता है और कहता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमको एक फॉल्स केस में फंसाया जाएगा तो हमको पहले से ही बेल दे दीजिए मतलब कि अरेस्ट होने के पहले बेल ले लेना उसको एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं ठीक है थीके? तो ऐसा कब होता है जब कोई आदमी को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट वो अरेस्ट होने वाला है किसी फॉल्स केस में ठीक है या फिर कोई उसको जान कर अपना दुश्मनी निकालने के लिए रेवलरी निकालने के लिए उसको जेल जेल भेजने वाला है तो उस समय वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर रख लेता है ठीक है तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ये सीआरपीसी के सेक्शन सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी आर का सेक्शन 438 से लिया गया है ठीक है धारा चार सौ अड़तीस है सी आर का एंटीसिपेटरी बेल के लिए और इस इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं ऐसा नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है दो महीने के लिए या चार महीने के लिए मिलता है एक बार मिल गया तो आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं मतलब एक पर्टिकुलर केस के लिए रख सकते हैं तो इसका जो है टाइम लिमिट नहीं है ये टाइम लिमिट नहीं है हाल ही में मतलब कि 2020 में एक केस था सुप्रीम कोर्ट उसमें बताया कि इस एंटीसिपेटरी बिल कोई टाइम लिमिट नहीं है ये जारी किसके द्वारा किया जाता तो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता और सेशन कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई पावर नहीं है हाई कोर्ट द्वारा जारी होता और सेशन कोर्ट द्वारा जारी होता है ठीक है नाइनटीन में एक कमेटी बना फोर्टी लॉ कमीशन था है ना इकतालीसवाँ लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था 41st फर्स्ट लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था 1969 में उसी के आधार पर 1973 में ये सिस्टम लागू किया गया था ठीक है 1973 में ये लागू किया गया था 41st फर्स्ट लॉ कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1969 में और एंटीसिपेटरी बिल याद रखिएगा एस सी केस जो है एस सी केस जिसके लिए दो में बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था है ना उसमें एंटीसिपेटरी बिल लागू नहीं होता है ठीक है तो एस सी केस में ए, एक्ट वाले केस में एस सी एक्ट का जो केस है उसमें एंटीसिपेट्री बिल लागू नहीं होता है फोर्टी फर्स्ट लॉ कमीशन 1969 के आधार पर 1973 में इसको बनाया गया था इसको जारी कौन करता है तो सेशन कोर्ट और कोर्ट कोई टाइम लिमिट नहीं है सेक्शन 438 के तहत सीआरपीसी आर के ठीक है नेक्स्ट है, है कि परमिट टू तो यूज रिजर्वेज एन बी टू आर तो एन तो बोल रहा है आर को कि हमको अपना रिजर्व यूज करने का परमिट दो मतलब कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है एन को आर के पास तो एन बोल रहा है कि आर से कि हमको अपना रिजर्व यूज करने दीजिए तो हम लोग यहाँ एन और आर के बारे में पढ़ लेते हैं एन क्या है तो एम एन बी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के तहत रजिस्टर रहते हैं एन एक है तरह का कंपनी होता है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट उन्नीस के तहत रजिस्टर होता है एन और बैंक में अंतर क्या होता है तो एन डिमांड डिपॉजिट को नहीं ले सकता है एन डिमांड डिपॉजिट को नहीं ले सकते हैं और एन पेमेंट और एम डी सॉरी एन बी एफ सी जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं यानी कि बैंक जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है एन बी एफ सी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं होते डिमांड डिपॉजि देखिए डिपॉजिट दो तरह का होता है डिमांड डिपोजिट होता है एक्चुअली डिपॉजिट दो तरह का होता है एक होता है डिमांड डिपॉजिट एक होता है टाइम डिपॉजिट तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि आप पैसा जमा किए हो आज जमा किए और आज शाम को निकाल भी सकते हैं ठीक है मतलब इसमें कोई बताया नहीं रहता है कि हम पैसा जमा करेंगे तो कब निकालेंगे आप जब मान लीजिए कि आज पचास हज़ार सुबह में जमा किए हैं और आपका मन किया कि तीन बजे जाकर के हम तीस हज़ार निकाल लें तो आप जाकर निकाल सकते हैं कोई आपको रोकने वाला नहीं है तो होता है डिमांड डिपॉजिट इसमें टाइम लिमिट नहीं है और टाइम डिपॉजिट क्या होता है तो आप एक बार जमा किए तो उस समय आपको बता देना होता है कि हम चार साल के लिए जमा कर रहे हैं हम दो साल के लिए जमा कर रहे हैं तो टाइम डिपॉजिट का एक्जाम्पल एफ डी फिक्स डिपॉजिट कि आप एक बार आठ साल या नौ साल मतलब जितने साल का फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं उतने देर के लिए कर दीजिए उस बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते या फिर रेकरिंग डिपॉजिट होता है ये सब टाइम डिपॉजिट होता है और फिर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि कब जमा करेंगे और कब कब निकाल कोई पता नहीं है ठीक है तो एन बी एफ़ सी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं हाँ टाइम डिपॉजिट लेते हैं डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं ठीक है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है चेक इशू नहीं कर सकते एन बी एफ सी जो है चेक इशू नहीं करते जबकि बैंक चेक इशू करते हैं तो एन बी एफ सी के बारे में आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और इसमें और बैंक में क्या अंतर है अभी हम लोग यहाँ पर देख लिए आर बी आई के बारे में पढ़ लेते हैं तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है उन्नीस सौ पैंतीस में बनाया गया था काफ़ी सिंपल जानकारी है आर बी आई के हेडक्वार्टर मुंबई में है दिल्ली में नहीं याद रखिएगा नाइनटीन थर्टी फाइव में इसको बनाया गया था एक्ट लाकर बनाया गया था आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर में था आर बी आई एक्ट नाइनटीन फोर थर्टी फोर का था उसके तहत इसको बनाया गया था आज़ादी के बाद एक जनवरी नाइनटीन नाइन को इसको नेशनलाइज़ किया गया इसको राष्ट्रीयकरण किया गया इसके पहले आर बी आई प्राइवेट था ठीक है ये बनाया किसके कहने पे गया था तो एक कमीशन सेटअप हुआ था जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस क्या नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1925 में ही उसका रिकमेंडेशन आया था उसी के आधार पे आरबीआई बनाया गया था एक नाइनटीन eh, में बनाया गया था और आर बी आई ला करके और एक जनवरी उन्नीस को नाइनटीन को इसको नेशनलाइज किया गया तो अभी यह कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे बात किया है कि मेघालय विलेज मेघालय विलेज क्यू नाइन लॉन्गला देव लेचेज ऑन इट्स पास्ट इन सर्च ऑफ कोविड नाइन्टीन क्यूर तो जैसे अभी एक अभी काफ़ी चर्चा में एक दवाई रहा है जिसका नाम है हाइड्रोक्लो हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ठीक है एच सी क्यू जिसको शॉर्ट जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ठीक है क्लोरो क्य। क्य। तो इससे जो है ये मलेरिया का ड्रग है तो मलेरिया का एक बहुत फेमस आयुर्वेदिक ड्रग है क्यूनैन है ना ये सिंकोना पेड़ से निकाला जाता है क्यूनैन जो है सिंकोना के पेड़ छाल से निकाला जाता है तो मेघालय में एक गाँव है जिसका नाम है नोंगला देव ठीक है मेघालय में एक गांव है जिसका नाम है नोंगला देव वहाँ पर सिंकोना का पेड़ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ठीक है तो वेलकम टू क्यून नोंगला देव विलेज नेम आफ्टर द एल्कोट क्यूनैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना वहाँ सिंकोना कई मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये सत्तर किलोमीटर साउथ है गुवाहाटी से तो इससे हमको कोई मतलब कि हमको बस यहाँ पे ये यह याद रखना है कि सिंकोना किस चीज़ का क्यून किस चीज़ का मेडिसिन और कहाँ से निकाला जाता है और अभी जो नोंगला देव गाँव जो है न्यूज़ में था तो किसलिए न्यूज़ में था ठीक है तो लोग मतलब कि कुछ लोग का कहना है कि हमको कोविड नाइन्टीन का क्योर जो है इसमें भी खोजना चाहिए जैसे यदि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया अमे, का मेडिसिन है तो उससे कुछ लोग यदि ठीक हो जा रहे हैं तो हम लोग को इसमें भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि अभी परफेक्ट क्योर तो मिला नहीं है कोविड नाइन्टीन का परफेक्ट मेडिसिन तो मिला नहीं है या फिर कोई वैक्सीनेशन तो मिला नहीं है तो हर चीज़ को ट्राई किया जा रहा है तो कुछ लोगों को यही कहना है कि क्यों ना हम लोग क्यून को भी ट्राई करें तो इसलिए इस गाँव का इंपॉर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसलिए न्यूज़ में था ठीक है ये कहाँ है याद रखिएगा मेघालय में है ठीक है मेघालय नेक्स्ट यहाँ पर एक हाईकोर्ट का कल कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल डिसीजन आया है कि अजान में भी इंटीग्रल टू इस्लाम अजान जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है लेकिन लाउड स्पीकर इंटीग्रल पार्ट नहीं है ठीक है ऐसा कहना है और यहाँ पे एक आर्टिकल न्यूज़ में था आर्टिकल 25 तो आर्टिकल 25 फाइव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, का फंडामेंटल राइट के अंदर आता है पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट के अंदर आता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है कि ऑल पर्सनस आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइकनेस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस है ना राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में क्या कहता है कि राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ठीक है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरिलिटी एंड हेल्थ तो यहाँ पे जो यहाँ पे आया है ना सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरिलिटी और हेल्थ ये जो पार्ट थ्री में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसी के आधार पर डिसीजन दिया गया है कि आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में हाँ ये बात सही है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेस यानी कर सकते हैं प्रोपेगेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या लगा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर उससे मेंटेन होना चाहिए मॉरेटी पे कोई हानि नहीं होना चाहिए और हेल्थ पे कोई हानि नहीं होना चाहिए तो इसी को देखते हुए मतलब कि हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि लाउड स्पीकर जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है ठीक है यहाँ पे देखिए लिखा है कि डैट होल्डिंग डैट अजान यानी कॉल टू प्रेयर मे बी एन इसेंशियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम अलाहाबाद हाईकोर्ट फ्राइडे सेड इट्स रिसाइटेशन ठीक है थ्रू लाउड स्पीकर और अदर साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस कैन नॉट भी सेट टू ए इंटीगरल पार्ट ऑफ द रिलीजन ठीक है वारंटिंग प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इन्साइड एंड आर्टिकल ट्वेंटी फाइव द कस्ट्यूट ऑफ इंडिया रूलिंग ऑन प्ली ऑफ बाई गाजीपुर एम पी अफजल अंसारी गाजीपुर की एम पी अफजल अंसारी उनके द्वारा एक प्ली दायर किया गया था कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद हमारे पहले मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह के सरकार में और सीनियर एडवोकेट थे एस वसीम कादरी उनके द्वारा इसको चैलेंज किया गया था ठीक है तो उसी पे हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि लाउड स्पीकर जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और हाँ हर किसी को राइट है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का प्रोपेगेट करने का लेकिन उसके लिए एक कंडीशन लगा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी और हेल्थ ठीक है तो यह था इसके बारे में नेक्स्ट यहाँ पे कि दिल्ली सिक्स माइनर अर्थ क्वेक इन मंथ नॉर्मल से एक्सपर्ट ठीक है तो दिल्ली में जो है छठा अर्थक्वेक आया है हालांकि माइनर अर्थक्वेक था तो इससे कोई ज़्यादा हानि हुआ नहीं है तो हम लोग यहाँ एग्जाम पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है तो अर्थक्वेक क्या होता है तो सेकिंग ऑफ द अर्थ अर्थ सर्फेस ठीक है सेकिंग ऑफ़ द अर्थ सर्फेस अर्थक्वेक और इस समय तीन वेव निकलते एक होता है पी एक होता है एस एक होता है एल तो पी जो होता है लॉन्गेडनल वेव, वेव, वेव होता है एस ट्रांसवर्स वेव होता है एल सर्वेस वेव होता है एल जो होता है सर्फेस वेव होता है और ई सेंटर जो यहाँ पे एक फोकस टर्म आता है एक ई सेंटर होता है तो फोकस जो होता है ज़मीन के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक ऑर्जिनेट होता है और ई सेंटर बोलते हैं फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है सरफेस पे उसको हम लोग ई सेंटर बोलते हैं अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता जा है सिस्मोग्राफ से ठीक है तो ये था अर्थक्वेक के बारे में तो इसी के साथ आज का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त होता है वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद